हेलो एवरीवन। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इस सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन ए कॉलोनी। तीन लड़के हैं, एक का नाम अंकुर जी है, एक का नाम सैयद जी है और एक का नाम डेविड जी है। तो ये इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं और सर्कल की बाउंड्री पे बैठे हैं। तो मीन्स अगर मैं इनकी ज्वाइन कर दूं, ये ए और एस को, ए और डी को और एस और डी को, तो इक्वल डिस्टेंसेस पे बैठे हैं, तो ये कोर्ड्स भी इक्वल है, ए एस, एस डी और ए डी। ठीक है, तो ये कैसी ट्रायंगल होगी बोलो? इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी। ये ट्रायंगल कैसी होगी बेटा? इक्विलेटरल। मैं ना आपके लिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो ये रिकॉर्डिंग आपके काम भी आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये रिकॉर्डिंग आपके काम भी आ जाएगी। तो मान लो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड मान लेता हूं मैं ए, तो फाइनली मुझे इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड निकालनी है, क्योंकि उनके हाथ में ना टेलीफोन है, अंकुर सैयद और डेविड के हाथ में स्ट्रिंग से अटैच्ड है वो टेलीफोन। ठीक है जी, वो स्ट्रिंग की लेंथ मुझे निकालनी है। बोले समझ आ गया? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा बनाएंगे, लेकिन छोटा बनाने के लिए मुझे कुछ प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। वो पहले मैं आपको प्रॉपर्टीज समझा देता हूँ। आइए, वो प्रॉपर्टीज क्या है कि अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने लिख के भी आनी है एग्जाम में। जैसे ये क्वेश्चन स्टार्ट करोगे, डायग्राम बना लोगे, तो पहली बात आप क्या लिख के आओगे कि अगर ट्रायंगल क्या है बेटा? इक्विलेटरल। तो क्या होता है उस इक्विलेटरल ट्रायंगल का सरकम सेंटर? ये पॉइंट लिख के आना, नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे आप। क्या बोला? सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया हुआ है सब बच्चों को। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये चार सेंटर कॉइंसाइड करते हैं, मतलब वो एक ही पॉइंट होता है। अब मैं समझाता हूं, थोड़ा सा आइडिया देता हूं कि सरकम सेंटर इन सेंटर क्या होता है। किसी भी ट्रायंगल के सरकम सेंटर का क्या मतलब है? मान लो एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, तो सरकम सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जो वर्टिसेस से इक्वल डिस्टेंस पे होता है। मतलब अगर आप उस पे कंपस रखोगे तो पी क्यू आर से पास करेगा वो सर्कल। अगर एक वर्टेक्स जितना रेडियस खोल लोगे तो सभी वर्टेक्स से पास करेगा। उस सर्कल को बोलते हैं सर्कम सर्कल, और उस सेंटर को क्या बोलते हैं बोलो? सर्कम सेंटर। इस तरह से सेंट्रॉइड क्या होता है, कोई बता सकता है? व्हाट इज सेंट्रॉइड? अगर एक ट्रायंगल पी क्यू आर है, सेंट्रॉइड का मतलब अगर मैं मीडियंस को ड्रॉ कर दूं, मीडियन एक ऐसी लाइन है जो अपोजिट साइड को क्या करती है? बाइसेक्ट, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाके मिलती है। तो तीनों मीडियन एक ही पॉइंट से पास करते हैं, और उस पॉइंट का नाम क्या होता है बोलो? बोलो क्या होता है? सेंट्रॉइड। क्या होता है? और सेंट्रॉइड की खास बात पता है किसी बच्चे को? वो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है बेटा? 2:1। ऊपर वाला पार्ट वर्टेक्स की तरफ वाला पार्ट 2, और नीचे वाला 1, रेशियो में। ये हो गया सेंट्रॉइड। इसी तरह से ऑर्थो सेंटर क्या होता है कि जहां पे सारे ऑल्टीट्यूड्स पास करते हैं। इन सेंटर क्या होता है? जिस पॉइंट से ट्रायंगल के ट्रायंगल बाइसेक्टर्स हैं वो पास करते हैं। लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल में ना ये पॉइंट अलग अलग नहीं होते, ये सिंगल पॉइंट ही होता है। इस बात से ये क्वेश्चन थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने मान लिया इस सर्कल का जो सेंटर है वो ओ है, क्योंकि ये सर्कल ए एस डी अंकुर सैयद डेविड जहां पे बैठे हैं, लॉजिकली ये वर्टेक्स है एक ट्रायंगल के, वहां से सर्कल ए एस डी से भी पास कर रहा है। तो ये सर्कल का सेंटर है, ये सर्कम सेंटर ही हो गया इस ट्रायंगल का। और अगर मैं एक तो ये पॉइंट लिख के आऊंगा एग्जाम में, क्या क्या लिख के आऊंगा? इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या लिख के आऊंगा? इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सर्कम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रॉइड एंड ऑर्थो सेंटर आर सेम पॉइंट या कॉन्साइड। क्या लिख दोगे आप? कॉन्साइड। अब आप एक कंस्ट्रक्शन करोगे, क्या कंस्ट्रक्शन करोगे? उसके बाद ज्वाइन ए ओ एंड एक्सटेंड इट टू एम एट एस टी। ए ओ को ज्वाइन किया और वो एस डी को जा, तो ये कहां पे मीट कर रहा है? एम पे। ठीक है, अब मुझे बताओ ओ हमारा सेंट्रॉइड भी है, सर्कम सेंटर भी है, इन सेंटर भी है और ऑर्थो सेंटर भी है। अगर ऑर्थो सेंटर है
तो ये एंगल 90 डिग्री का होगा क्योंकि ऑल्टीट्यूड भी तो वहीं से पास करता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो सेम ही पॉइंट से पास करते हैं, और ऑल्टीट्यूड का मतलब अपोजिट साइड पे कौन सा एंगल बनना, 90 डिग्री का। तो ये रीजन लिख के आओगे कंस्ट्रक्शन में, क्या लिखोगे, ज्वाइंट ए ओ एंड एक्सटेंड इट टू एम ऑन सी डी, ठीक है। अब एम विल बी ऑल्टीट्यूड ऑल्सो, ठीक है, तो एंगल 1 और 2 दोनों ही क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री, ठीक है। एंड एम इज मीडियन ऑल्सो, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड मीडियन भी होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में ऑल्टीट्यूड जो होता है वो क्या होता है बेटा, मीडियन भी होता है। एम इज मीडियन ऑल्सो, ओ जो है ये सर्कम सेंटर और सेंट्रोइड दोनों ही है। अगर ये ओ सेंट्रोइड है तो किस रेशियो में डिवाइड करेगा एम को, 2:1 में, 2:1 मीन्स इस पॉइंट का नाम मैं ओ दे रहा हूं अगर, तो ए ओ रेशियो ओ एम, बताओ क्या है बेटा, 2:1। अब बताओ ओ ए कितना है, कौन बताएगा ओ ए कितना है, कैसे पता लगा 20 है ये, क्योंकि इस सर्कल का रेडियस दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बेटा, 20 मीटर आया ना, इस सर्कल का रेडियस क्या दिया हुआ है, 20 मीटर, और ए ओ रेशियो ओ एम कितना है, 2:1। तो अगर आप स्कूल लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो इसको 2x लिख दोगे और इसको क्या लिख दोगे, एक्स। 2x की वैल्यू क्या है, 20, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, 20/2, 10 बोलो। और कंप्लीट लेंथ क्या है, ये 2x और x, 2:1 में 2x + x कितना हुआ, 3x। कंप्लीट लेंथ कितनी है बेटा, 3x, तो 3 × 10 कितना हुआ, 30 मीटर। एएम की लेंथ कितनी आ गई बोलो, 30 मीटर। यहां तक का आ गया समय सबको अच्छे से, एएम कितना आ गया बेटा, 30 मीटर, ये कंप्लीट एएम 30 मीटर आ चुका है, ठीक है। ऑल्टीट्यूड भी आ चुका है, लॉजिकली क्या आ चुका है बेटा, ऑल्टीट्यूड भी आ चुका है। अब आप में से किस किस बच्चे को ये पता है, 8th में भी सिखाया था, अब आप 9th में पहुंच गए, 10th वालों को भी सिखाता हूं कि हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/2a, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, अब मैं क्वेश्चन रिमेनिंग क्वेश्चन यहां ऊपर कर रहा हूं, हाइट ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है √3/2 × साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हाइट आ चुकी है क्योंकि ये ऑल्टीट्यूड का भी तो काम कर रही थी, 30 हमारी हाइट आ चुकी है, √3/2 × साइड, तो साइड कितनी आ गई, 2 ऊपर चला गया, 30 × 2 कितना हुआ बेटा, 60/√3। इसको रैशनलाइज, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज भी कर दो, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड, तो कितना आया बेटा, 60√3/3, तो आंसर क्या आया, 20√3। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ ईच कोन कितना आया, ए की वैल्यू कितनी आई, 20√3, यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो बेटा इस ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे केस स्टडी भी आ सकती है आपकी, इस पे क्या आ सकती है आपकी, केस स्टडी, तो ये टाइप बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई स्कूल्स में ऐसे नहीं करवाया, कईयों में तो ऐसे करवाया, कई स्कूल में ऐसे ना करवा के जो हाइट का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगवाया उन्होंने, तो फिर पता है उन्होंने इसको कैसे किया, मैं सेकंड अप्रोच भी बता रहा हूँ आपको, यहाँ साइड में यहाँ नीचे कर बता रहा हूँ, ये देखो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये कहा बच्चों को, वो भी कर लो दोनों ही सही है, एएसएम एक राइट ट्रायंगल है, दिख रही है सबको, ये 90 का एंगल है, ये हाइपोटेन्यूज ए है, ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा बोलो, जो ऑल्टीट्यूड होता है वो अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, इक्विलेटरल में, आइसोसेलेस में भी करता है, जहां पे इक्वल साइड मीट कर रही हो आइसोसेलेस और वहां से ऑल्टीट्यूड करोगे तब भी अपोजिट साइड बाइसेक्ट होती है, इक्विलेटरल में तो हर जगह ही बाइसेक्ट होती है ऑल्टीट्यूड से, तो ये साइड क्या आ गई, एस एम a/2। तो पाइथागोरस लगाओगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ए स्क्वायर इज इक्वल टू a/2 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, कंप्लीट 30 आया था ना बोलो, तो a² - a² / 4 कर दो, a² - a² / 4,
इस 30 का स्क्वायर 900 बोलो, तो ये कितना आया बोलो, 3a² बाय 4, ये कितना आया, 3a² बाय 4 इज 900, a² आ गया 900 × 4 36, या 300 पे कट कर लो पहले, 3 × तो a² आ गया 1200। ठीक है, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा लाइट लग रहा है बच्चों को। तो ए आ गया √1200, √1200। अब जल्दी बताओ, 1200 को और मैं क्या लिख सकता हूँ, 400 × 3 लिख सकता हूँ, 1200 को क्या लिख सकता हूँ, 400 × 3, 400 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 20, और √3 अंदर रह जाएगा, तो साइड की वैल्यू क्या आ गई, 20√3। तो इस मेथड से कई स्कूल वालों ने 20√3 ऐसे निकलवाया, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगाया कि हाइट √3/2 साइड होती है, तो उन्होंने ASM ट्रायंगल में कौन सी थ्योरम लगा दी, पाइथागोरस, तो ऐसे निकलवाया। इन दी एट द एंड ऑफ द डे आपको आना चाहिए, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो जो मेन बात आपने लिख के आनी है वो ये लिख के आनी है, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल सरकम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉयड एंड इन सेंटर कौन साइड, दे आर द सेम पॉइंट। ठीक है, मेन बात ये लिख के आनी है, और एक सेंट्रॉयड वाली बात पता होनी चाहिए कि सेंट्रोइड मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1। अगर ये सेम पॉइंट है तो ऑल्टीट्यूड और मीडियन एक ही बात होगी, और 2:1, अगर आप बड़े बच्चे होते तो 2:1 तो एकदम, 2 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 10, और टोटल 30, लेकिन स्कूल लेवल पे आपको कैसे करके आना है, 2x और x, 3x = क्या करके आना है बेटा, 30 करके आना है, कंप्लीट 30 था ना हमारा, बोलो। 2x 20 तो दिया गया हुआ था, रेडियस 2x की वैल्यू 20, रेडियस तो x की वैल्यू 10 आई थी, और कंप्लीट 2x + x 3x हुआ था, 3 × 10 कितना हुआ था, कंप्लीट ऑल्टीट्यूड 30 हुआ। तो ऐसा केस स्टडी के 4-5 क्वेश्चन भी बन के आ सकते हैं आपके। ठीक है, सबको अच्छे से समझ आ गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने रिकॉर्ड कर लिया, थैंक यू।